हेलो एवरीवन दिस इज़ शिवांगी और आज हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर में यूनिट वन को प्रोसीड करेंगे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सिस्टम सॉफ्टवेयर को देखा था व्हाट इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा उसके साथ साथ फीचर्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा एंड टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोगों ने देखा आज हम लोग देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है तो आ, हम लोग सब जानते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सिस्टम के लिए विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारा सिस्टम नहीं चल सकता तो देखते हैं पहला पॉइंट सिस्टम सॉफ्टवेयर मेंटेन द सिस्टम रिसोर्सेज एंड गिव द पाथ फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है जो कि हम लोग प्रीवियस क्लास में देखा था ऑपरेटिंग सिस्टम इसका एक पार्ट था तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग ने पढ़ लिया है तो हम लोग जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है हमारे सिस्टम के लिए एक मैनेजमेंट की भूमिका अदा करता है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है हमारे सिस्टम के लिए एक रिसोर्स प्रोवाइड करता है जो जो सिस्टम को रिसोर्स की जरूरत होती है वो कौन प्रोवाइड करता है सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारा किस तरह से चले उसके लिए एक पाथ डिसाइड करता है कौन करता है ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ बिल्ट फॉर स्पेसिफ़िक टास्क अब क्या है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जब यूज़र की इच्छा हो यूज़र क्या चाहता है यूज़र कौन सा एप्लीकेशन रन कराना चाहता है तो ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी न किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है सेकेंड लो लेवल लैंग्वेज आर यूज टू राइट द सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए लो लेवल लैंग्वेज की ज़रूरत होती है क्यों क्योंकि ये मेरा सिस्टम के करीब होता है जो सिस्टम के पास होता है वो मेरा सॉफ्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है तो जो सिस्टम के पास होता है तो सिस्टम मेरा कौन सा लैंग्वेज समझता है लो लेवल लैंग्वेज को समझता है तो इसी सिस्टम सॉफ्टवेयर किसमें होता है लिखा हुआ लो लेवल लैंग्वेज में वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किस में लिखा होता है हाई लेवल जो कि मेरा सी है सी प्लस प्लस है जावा है ये सब क्या है हाई लेवल लैंग्वेज तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेरा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा होता है थर्ड विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम कॉन्ट्रन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना मेरा सिस्टम नहीं चल सकता है वहीं एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना मेरा सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ये आपकी यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है यूज़र कौन सा एप्लीकेशन कब चलाना चाहता है अगर आपका सिस्टम ओपन भी है फिर भी अगर यूज़र वो एप्लीकेशन नहीं खोलना चाहता है तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेरा नहीं चलेगा उससे मेरा सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर नहीं रहे मेरे सिस्टम के अंदर तो मेरा सिस्टम काम करना बंद कर देगा ठीक है सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स वेन सिस्टम इज टर्न ऑन एंड स्टॉप वैन सिस्टम इज टर्न ऑफ वाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन्स एज पर द यूजर रिक्वेस्ट यूजर किस तरह उसको चलाना चाहता है वो यूजर डिसाइड करेगा ठीक है सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग इज कॉम्प्लेक्स देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप जो लो लेवल में होता है जो सिस्टम के पास होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है कंपेयर टू हाई लेवल तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कंपेयर में एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ईजियर होता है एग्जाम्पल क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम वहीं पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का क्या एग्जाम्पल होगा फोटोशॉप वी एल सी प्लेयर आप बहुत सारा चीज़ लिख सकते हो एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट दीज आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ठीक है आई होप आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में डिफरेंस समझ आया होगा। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा ठीक है अब देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर तो आप लोग का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का एलिमेंट्स क्या क्या होगा पहले में ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग लिखोगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने इसलिए इसमें मेंशन लास्ट में किया है बिकॉज आप लोग सब पढ़ चुके हो ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप लोग एलिमेंट्स में लिखोगे भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम में आप लोग क्या क्या लिखोगे वॉट इज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वॉट आर द फंक्शनलिटीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि आप लोग ऑलरेडी प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ चुके हो तो आप लोग इसके नोट्स खुद ही बनाओगे ऑपरेटिंग सिस्टम के क्लियर तो अब हो गया कंपाइलर इंटरप्रेटर डिवाइस ड्राइवर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये चार चीज़ें हम लोग आज पढ़ेंगे तो अब मैं बता दूँ ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है जो कि हम लोगों ने देखा था इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर ये कौन होता है मेरा ठीक है ये कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है जैसे कि मेरा जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर में लिखा होता है मेरा आपका लिखा होता है लो लेवल में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में लिखा होता है ये लिखा होता है मेरा हाई लेवल में अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई ट्रांसलेटर होगा या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर को लो लेवल से मशीन लैंग्वेज में चेंज करने के लिए ट्रांसलेटर होगा जिससे मेरा मशीन समझ पाए हार्डवेयर समझ पाए इसलिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है ठीक है चलिए देखते हैं आप दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस होता है तो मैं बता दूँ जब भी कभी हम लोग प्रोग्रामिंग लिखते हैं तो सपोज़ हम लोगों ने सी में एक प्रोग्रामिंग लिखा तो सी में जो प्रोग्रामिंग हम लोग लाइन बाय लाइन लाइन लिखते हैं तो कंपाइलर से जब इसको रन कराते हैं तो कंपाइलर क्या करता है इसको पूरा ही एक साथ एग्जीक्यूट करता है ठीक है एक ही बार में पूरे को एक साथ स्कैन करता है अगर आपका एरर आएगा तो आपको लास्ट में पूरा एरर बता देगा लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है लाइन बाय लाइन चेक करता है अगर आपका इस लाइन में एरर है तो इंटरप्रेटर इस लाइन जब तक आप इस लाइन को सॉल्व नहीं करिएगा तब तक इंटरप्रेटर इस लाइन पर नहीं जाएगा तो इंटरप्रेटर जब भी कभी एरर चेकिंग करता है वो लाइन बाय लाइन करता है और कंपाइलर एक ही बार में करता है ठीक है इसको ध्यान में रखना है तो कंपाइलर स्कैन्स द होल प्रोग्राम इन वन गो एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को स्कैन कर देता है वहीं इंटरप्रेटर क्या करता है ट्रांसलेट प्रोग्राम वन स्टेटमेंट एट अ टाइम एक बार में एक ही स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करता है चलिए एज इट स्कैंस द कोड इन द वन गो द एरर आर शोन एट द एंड टूगेदर एक ही बार में जब वो स्कैन करता है तो जो भी एरर होते हैं वो कहाँ दिखते हैं पूरा स्कैनिंग करने के बाद में आपको एरर दिखेंगे लेकिन इंटरप्रेटर में क्या होता है कंसिडरिंग इट स्कैन कोड वन लाइन एट अ टाइम एरर और शोन लाइन बाई लाइन एरर अगर आपको एक लाइन में दिखेगा तो इंटरप्रेटर वहीं वेट करेगा आपके लिए जब तक उस लाइन को आप एरर सॉल्व नहीं कर लीजिएगा इंटरप्रेटर दूसरे लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा तो इसका एक ही बार में स्कैन करने के बाद लास्ट में एरर देगा इसका वन बाय वन लाइन बाय लाइन आपको एरर बताएगा मेन एडवांटेज ऑफ कंपाइलर इज इट एग्जीक्यूशन टाइम ठीक है तो कंपाइलर का मेन एडवांटेज क्या होता है इसका एग्जीक्यूशन टाइम मतलब कंपाइलर बहुत फास्ट होता है कंपेयर टू इंटरप्रेटर एंड ड्यू टू इंटरप्रेटर्स बींग स्लो इन एग्जीक्यूटिंग टाइम द ऑब्जेक्ट कोड इट इज़ प्रिफर्ड लेस मतलब क्या होता है इंटरप्रेटर बहुत स्लो काम करता है इसलिए इंटरप्रेटर को कम प्रेफर्ड किया जाता है दूस, मतलब कोडिंग uh, में ठीक है इट कन् कन्वर्ट द सोर्स कोड इंटू ऑब्जेक्ट कोड अब क्या होता है कंपाइलर क्या करता है यहाँ देखते हैं देखिए कंपाइलर का ये ये इमेज है ये जैसे स्टेजेज में उसका uh, किस तरह इस्टेजेस में वो चलता है वो उसका यहाँ पे इमेज दिया हुआ है तो सबसे पहले जो मेरा सोर्स कोड होता है जो भी आपने हाई लेवल लैंग्वेज लिखा सी में लिखा तो सोर्स कोड को कंपाइलर किस में चेंज करता है ऑब्जेक्ट फाइल में फिर ऑब्जेक्ट फाइल से लिंक करके उसको मशीन हार्डवेयर तक पहुंचाया जाता है जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है ये कंपाइलर करता है कंपाइलर क्या करता है डायरेक्ट नहीं ये कन्वर्ट करता है एग्जीक्यूटेबल फाइल में कंपाइलर पहले ऑब्जेक्ट फाइल में तोड़ता है वहीं इंटरप्रेटर क्या करता है डायरेक्ट आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल में चेंज कर देता है क्लियर तो यहाँ पे वही लिखा हुआ इट कन्वर्ट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड ये पहले सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है ध्यान रखना है वहीं पे इंटरप्रेटर क्या करता है इट डज़ नॉट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड इन इट स्कैन्स लाइन बाय लाइन ये ये ऑब्जेक्ट कोड में नहीं तोड़ता है ये लाइन बाय लाइन उसको चेक करता है और उसी वक्त आपका एक बार वो स्कैन किया एरर सॉल्व हुआ वो उसी लाइन को उसी वक्त वन जीरो जीरो वन में तोड़ देता है ये इंटरप्रेटर करता है ठीक है ध्यान रखना है तो कंपाइलर का क्या क्या एग्ज़ाम्पल हो जाएगा सी सी प्लस प्लस एंड वहीं इंटरप्रेटर कहाँ कहाँ यूज होता है मेटलैब रूबी पर्ल स्नोबॉल ये सब में, में मेरा इंटरप्रेटर यूज होता है ठीक है तो ये कंपाइलर का आप लोग अच्छे से एम ड्रॉ कर लीजिएगा वहीं इंटरप्रेटर देखिए इंटरप्रेटर क्या करता है यहाँ पे मेरा पूरा लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ये इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन उठाया और इंटरप्रेटर लिया और देखिए डायरेक्ट उसने वन वन में चेंज कर दिया कोई ऑब्जेक्ट कोड नहीं परफॉर्म हुआ यहाँ ठीक है तो एक लाइन उठाया एक लाइन को एलर सॉल्व डायरेक्ट उसने वन जीरो जीरो वन में चेंज कर दिया ये है इंटरप्रेटर आप लोग इसको और इसको अच्छे से ड्रॉ करिएगा क्लियर चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज डिवाइस ड्राइवर डिवाइस ड्राइवर क्या होता है ये पढ़ने से पहले हम लोग डिवाइस ड्राइवर के एक इमेज को देखते हैं ठीक है देखिए यहाँ पे सबसे पहले यूज यूज़र है सबसे एवब लेयर पे यूज़र है उसके जस्ट नीचे एप्लीकेशन प्रोग्राम है तो यूज़र जो है एप्लीकेशन प्रोग्राम से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है जो भी एप्लीकेशन आप लोग चलाते हैं व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टा वर्ड एक्सेल पी पी टी फोटोशॉप वी एल सी ये सब जो आप चलाते हो उसको एप्लीकेशन प्रोग्राम बोलते हैं तो यूज़र डायरेक्टली एप्लीकेशन प्रोग्राम से कनेक्टेड है अब देखिए एप्लीकेशन प्रोग्राम के जस्ट नीचे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम यूटिलिटीज़ मतलब यहाँ पे मेरा क्या आया सिस्टम सॉफ्टवेयर आया ठीक है सिस्टम सॉफ्टवेयर आया अब देखिए यहाँ पे सबसे बिलो क्या है हार्डवेयर हार्डवेयर में क्या क्या डिवाइसेज हैं तुम आपका माउस यू आपका हेडफोन हो गया मॉनिटर हो गया प्रिंटर हो गया कीबोर्ड हो गया ये सब क्या है मेरे हार्डवेयर है तो हार्डवेयर जो भी एक्शन परफॉर्म करता है वो किसके बेसिस पे करता है आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी उसको इंस्ट्रक्शन देता है हार्डवेयर उस तरह परफॉर्म करता है लेकिन विदाउट डिवाइस ड्राइवर के ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी इंस्ट्रक्शन देगा ये हार्डवेयर तक पहुँचेगा ही नहीं तो डिवाइस ड्राइवर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिना डिवाइस ड्राइवर के हार्डवेयर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी सिग्नल जो भी इंस्ट्रक्शन देता है वो सबसे पहले कौन लेता है डिवाइस ड्राइवर लेता है और डिवाइस ड्राइवर जैसा कहता है उस हिसाब से हार्डवेयर

अ डिवाइस ड्राइवर कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर हार्डवेयर बाई कंप्यूटर सब सिस्टम और कंप्यूटर बस कनेक्टेड टू द हार्डवेयर मतलब यहाँ पर बोल रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर जो मेरा हार्डवेयर होता है वो कम्यूनिकेट ऑपरेटिंग सिस्टम से तब करता है जब मेरा डिवाइस ड्राइवर वहाँ पर अवेलेबल होगा क्लियर डिवाइस ड्राइवर आर वेरी इसेंशियल फॉर कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली बिकॉज इट बिकॉज विदाउट डिवाइस ड्राइवर द पटिकुलर हार्डवेयर फेल्स टू वर्क अकॉर्डिंगली मीन्स इट फील्स इन डूइंग अ पर्टिकुलर फंक्शन एक्शन विच इट हैज़ बिन क्रिएटेड मतलब जिस हार्डवेयर को जिसके लिए लगाया गया है अगर वहाँ डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा तो वो अपना एक्शन परफॉर्म करने में फ़ेल हो जाएगा मतलब सपोज प्रिंटर को हम लोगों ने क्यों लगाया है प्रिंट करने के लिए लेकिन अगर वहाँ पर मेरे सिस्टम के अंदर डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा तो प्रिंटर अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा अपना काम ही नहीं कर पाएगा वो सिस्टम बस ऐसे ही है तो डिवाइस ड्राइवर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है देखिए वेरी इसेंशियल फॉर कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली सिस्टम मेरा अच्छे से वर्क करे इसके लिए डिवाइस ड्राइवर का होना बहुत ज़रूरी होता है अब देखिए वर्किंग क्या होता है डिवाइस ड्राइवर का तो डिवाइस ड्राइवर डिपेंड अपन द ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन टू एक्सेस द डिवाइस एंड परफॉर्मिंग एनी पर्टिकुलर एक्शन आफ्टर द एक्शन दे ऑल्सो शो देयर रिएक्शन बाय डिलीवरिंग आउटपुट और स्टेटस मैसेज फ्रॉम द हार्डवेयर डिवाइस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है यहाँ पे सबसे पहले क्या है यूज़र है यूजर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है वो किसको दिया ओएस को दिया ओ किसको दिया डिवाइस ड्राइवर को दिया डिवाइस ड्राइवर से डिवाइस ड्राइवर जो भी कहेगा उससे मेरा हार्डवेयर जो भी हार्डवेयर होगा वो परफॉर्म करेगा हार्डवेयर में आपका आ गया माउस मोनीटर कीबोर्ड ये सब क्या है मेरा हार्डवेयर है तो डिवाइस ड्राइवर क्या करता है देखिए डिवाइस ड्राइवर डिपेंड अपॉन द ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्ट्रक्शन जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा इंस्ट्रक्शन देता है डिवाइस ड्राइवर को डिवाइस ड्राइवर क्या करता है उसको डिलीवर क्या किसको करता है हार्डवेयर को तो जो एक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम करता है उसका वापस से रिएक्शन देता है आपको डिवाइस ड्राइवर हार्डवेयर से आउटपुट लेके सपोज़ यूज़र ने कहा कि मुझे अपने माउस को लेफ्ट मूव कराना है तो ओएस डिवाइस ड्राइवर को बोलेगा कि यूज़र ने ऐसा बोला है डिवाइस ड्राइवर किसको ट्रांसफर करेगा हार्डवेयर को तो हार्डवेयर रिस्पॉन्ड करेगा तो जिस तरह का एक्शन होता है उस तरह का रिएक्शन डिवाइस ड्राइवर के द्वारा मिलता है बाई डिलीवरिंग द आउटपुट क्लियर फॉर एग्जाम्पल ए प्रिंटर ड्राइवर टेल्स द प्रिंटर इन विच फॉर्मेट टू प्रिंट प्रिंटर जो ड्राइवर होता है वो प्रिंटर को बताता है कि आपको कौन से फॉर्मेट में प्रिंट करना है समझ रहे हैं मतलब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से जैसा इंस्ट्रक्शन मिलता है उस हिसाब से वो अपना वर्क करता है आप देखिए कौन कौन सी डिवाइस में आ, कौन कौन सा डिवाइस बिना डिवाइस ड्राइवर के नहीं चल सकता है यहाँ देखिए कार्ड रीडर कंट्रोलर मॉडर्म नेटवर्क कार्ड साउंड कार्ड प्रिंटर वीडियो कार्ड यू एस रैम स्पीकर इट इी नीट डिवाइस ड्राइवर टू ऑपरेट बिना डिवाइस ड्राइवर के ये सब नहीं चल सकता है क्लियर तो आप लोग अच्छे से डिवाइस ड्राइवर का ये इमेज बना लीजिएगा एंड उसके साथ साथ डिवाइस ड्राइवर क्या होता है उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है उसको देख लीजिएगा अब देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का हम लोगों ने बताया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम लोग जब भी कभी मेंटेनेंस करते हैं या कभी बैकअप होता है या एंटीवायरस होता है या बाहरी कोई थ्रेट्स होते हैं उसके लिए हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं ठीक है तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ अ काइंड ऑफ सॉफ़्टवेयर विच एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका इंटरफेस है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच का ठीक है दीज आर दोज प्रोग्राम विच आर स्पेसिफली डिज़ाइन फॉर सम पर्टिकुलर पर्पज लाइक मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर और डायग्नास डायग्नाज एनी एर इन द कंप्यूटर मतलब कोई भी एरर अगर आपके कंप्यूटर में होगा उसको सॉल्व करना और आपका कंप्यूटर किस तरह अपडेट हो रहा है मैंटेन हो रहा है उसको कौन देखता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखता है ठीक है तो आप देखिए फीचर्स क्या क्या है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ये आप लोग अच्छे से अपने नोट्स में मैंशन करिएगा क्योंकि तो अगर आप लोग को एलिमेंट्स पूछे तो आप लोग उसमें इसको अच्छे से मेंशन करिएगा देखिए जब भी कभी एक्सटर्नल थ्रेट मिलता है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं फायर वॉल को एक्टिव करते हैं तो एक्सटर्नल थ्रेट से भी बचाता है कौन मेरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तो फायर वॉल यहाँ पर एक्टिव हो जाता है जैसे मेरा विंडोज़ का फायर वॉल होता है उसको हम लोग एक्टिव कर देते हैं जिससे जो भी बाहरी थ्रेट्स मिलते हैं थ्रेट्स मतलब धमकियाँ मतलब आपको कोई भी थर्ड पार्टी अगर आपके सिस्टम में इंटर करना चाहता है तो आपका एंटी मतलब ये जो है फायरवॉल वो, वो एक्टिव रहता है जिससे बाहरी किसी भी अनोइंग इंसान को वो इंटर नहीं करने देता है सेकेंड इट कैन स्कैन हार्डवेयर डायग्नोस्टिक सर्विसेज लाइक परफॉर्मेंस मॉनिटर हार्ड डिस्क सेंटिनल इसमें क्या हो रहा है कि जो भी मेरा हार्डवेयर है उसका परफॉर्मेंस किस तरह का है ये भी कौन देखता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में अच्छे से मेरा हार्डवेयर परफॉर्म करे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो उसकी स्पीड अच्छी हो इसको भी कौन देखता है मेरा सॉफ्टवेयर इट कैन ऑल्सो कंप्रेस फाइल जो भी मेरा फाइल का साइज़ अगर बड़ा होता है तो उसको जिप करने के लिए भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कारगर होता है नेक्स्ट यूटिलिटी कैन डू डिस्क पार्टीशन लाइक विंडोज डिस्क मैनेजमेंट जो भी डिस्क का पार्टीशन होता है डिस्क का विभाजन करते हैं हम लोग तो वहाँ भी हम लोग का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्पफुल होता है अब यूटिलिटी कैन हेल्प अस इन रिकवरिंग आवर लॉस्ट डेटा कोई भी डेटा मेरा लॉस्ट हो जाता है उसको बैकअप करने के लिए भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हेल्पफुल होता है यूटिलिटी कैन बैकअप आवर डेटा तो इनक्रीज़ द सिक्योरिटी सिक्योरिटी बढ़ाता है ये सब आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा और एंटी वायरस सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर ये सब भी मेरा यूटिलिटी uh, सॉफ्टवेयर से प्रोवाइड होता है तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे कंप्यूटर के ऊपर हमारे सिस्टम के ऊपर निभाता है ठीक है तो इतना हम लोगों ने पढ़ा अभी तक एलिमेंट्स के बारे में आप लोग अच्छे से देखेंगे कहीं भी कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग मुझसे पूछेंगे ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर का इवेल्युएशन क्या है मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर का किस तरह हम लोग का सिस्टम सॉफ्टवेयर हमारे पास आता है किस तरह हम लोग उसको रेट करते हैं किस तरह हम मतलब डेवलपर से यूज़र तक आता है उसको हम लोग देखेंगे आज देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है कि अगर कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर बना है बनना चाहता है बनाना है तो उसके लिए कुछ भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्वालिटी किस तरह का क्वालिटी होना चाहिए उसको हम लोग पहले देखते हैं तो क्वालिटी रिक्वायरमेंट डेफिनेशन मतलब किस तरह का कितना क्वालिटी चाहिए ये हम लोग पहले इस फेज में डिफाइन करते हैं ठीक है जैसे ही क्वालिटी सब कुछ फिक्स हो जाती है उसके बाद अब देखिए ये ये लाइन जो जा रहा है आपका ये है क्वालिटी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिकेशन मतलब मेरा जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए उसके लिए एक एस आर एस रेडी होता है एस आर एस मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तो एस आर एस मतलब एक पेपर की तरह बनाया जाता है जो क्वालिटी मतलब अब यहाँ पे आप लोगों की चर्चा हो गई बातें हो गई अब उसको हम लोगों ने एक पेपर पे लीगल की तरह से लीगली जिस तरह लिखते हैं वो हम लोगों ने लिख दिया लिखने के बाद क्या हो रहा है देखिए कहाँ कहाँ जा रहा है सबसे पहले ये जा रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मतलब आप सॉफ्टवेयर का यहाँ निर्माण होना शुरू हो गया है मैट्रिक सिलेक्शन मतलब मैट्रिक सिलेक्शन का मतलब होता है किस तरह का प्रोडक्ट होना चाहिए कहाँ कहाँ से क्वालिटी आ रही है कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है ये हो गया आपका मैट्रिक सिलेक्शन ठीक है फिर ये ये आपका है रेटिंग लेवल ये है असेसमेंट क्राइटेरिया डेफिनेशन अब देखिए क्या हो रहा है सबसे पहले आप अगर इस फेज़ को पकड़िए तो सॉफ्टवेयर मेरा डेवलपमेंट होना शुरू हो गया प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की हेल्प से मेरा सॉफ्टवेयर uh, बनना शुरू हो गया है अब यहाँ पे मेज़रमेंट हो रहा है ठीक है मेजरमेंट हो रहा है मतलब टेस्टिंग वेस्टिंग चल रही है ठीक है जैसे ही टेस्टिंग होने लगी उसके बाद उसको रेट करने के लिए छोड़ा गया मतलब जो वहाँ के मेंबर हैं उसको रेट करने के लिए छोड़ा गया कि आप जो भी काम आपका जो भी कोडिंग है जो भी आपने डेवलप किया है आप इसको रेट करिए क्या ये सही से चल रहा है या नहीं तो यहाँ पे ये रेटिंग लाइन है रेटिंग लाइन के बाद असेसमेंट असेसमेंट मतलब इसको अब यूज़र तक छोड़ दिया गया है यूज़र उसको एक्सेप्ट करता है रिजेक्ट करता है ये यूज़र डिसाइड करता है ठीक है तो ये चीज़ हम लोगों ने फॉलो किया उसी तरह मैट्रिक सिलेक्शन देखिए हम लोग सब को सबको एक साथ लेके चलना होगा मैट्रिक सिलेक्शन मतलब प्रोडक्ट का क्वालिटी का अब कौन कौन सा चीज़ें आ रही हैं कौन से सॉफ्टवेयर आ रही है जैसे अब घर बना रहे तो ईट गिट्टी सब आ रही है ना तो मैट्रिक सिलेक्शन का मतलब होता है क्वान्टिटी कैसे आ रहा है ठीक है उसके बाद तो फिर उसका मेजरमेंट हुआ उसका रेटिंग हुआ फिर जिस तरह काम हो रहा है हो रहा है ठीक है फिर आप यहाँ पे देख रहे हैं ये एस एस का रेटिंग लेवल डेफिनेशन है मतलब एस आर एस जिसने बनाया उसका भी रेटिंग लेवल डेफिनेशन है उस तरह रेटिंग लेवल डेफिनेशन चला असेसमेंट क्राइटेरिया डेफिनेशन मैनेजरियरियल रिक्वायरमेंट मतलब यहाँ पे देखिए मैनेजरियल रिक्वायरमेंट मतलब जो भी मैनेजमेंट की टीम होगा उनकी भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी तो उस हिसाब से असेसमेंट क्राइटेरिया का डेफिनेशन बना लास्ट में ये असेसमेंट बना फिर आपका ये यहाँ पे यूज़र आ गया कि ये आपका एक्सेप्ट है कोई प्रोडक्ट या रिजेक्ट है ठीक है अनएक्सेप्टेबल है या एक्सेप्टेबल है तो ये यहाँ पे असेसमेंट आ गया clear. Yeah. तो देखिए मेन मेरा सिस्टम का एवेल्यूशन क्या होता है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन देखिए यहाँ पे तीन लाइन में यहाँ पे सॉल्व कर दिया है मेन होता है रिक्वायरमेंट डेफिनेशन मतलब क्या क्या चीज़ चाहिए वो डेफिनेशन तैयार होती है उसके बाद प्रिपेयर होना शुरू हो जाता है उसके बाद इवेलूएशन इवेलुएशन का मतलब क्या होता है रेटिंग देना आपने जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है उसको लॉन्च कर दिया तो यहाँ पे आपका इवेलुएशन होना स्टार्ट हो जाता है तो यही मेन तीन प्रोसेस है जिसको अच्छे से लाइन बाई लाइन करके यहाँ पे दिखाया गया है ठीक है तो सबसे पहले क्वालिटी का कौन से क्वालिटी हो गए वो उसका यहाँ पे तय होता है उसके बाद उसका एक पेपर रेडी हो जाता है पेपर रेडी हो जाने के बाद यहाँ पे मैनेजमेंट टीम बैठे हुए हैं मैनेजमेंट का क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है पेपर रेडी होने के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है उसका मेजरमेंट होता है मतलब टेस्टिंग रेटिंग असमेंट उसी तरह मेट्रिक सिलेक्शन रेटिंग लेवल रेटिंग लेवल मतलब ये रेटिंग लेवल का एक अलग से लेवल दिया हुआ है रेटिंग कहाँ कहाँ होता है तो एक आपका रेटिंग लेवल हो गया एसआरएस का रेटिंग लेवल मतलब किस तरह का जो भी एसआरएस बना है मतलब जो भी मुझे प्रोडक्ट चाहिए जैसे आप अगर बाजार से कुछ किराना का सामान लेने जा रहे हो तो क्या क्या चीज़ें चाहिए उसकी एक लिस्ट बनी है तो उसकी भी रेटिंग होनी चाहिए तो जो घर के बड़े मेंबर होते हैं उनको दिखाया जाता है जैसे मम्मी लोग को दिखाया जाता है देखिए मैंने ये लिस्ट बनाया है क्या ये लिस्ट सही है तो मम्मी हाँ अलाउ करती हैं हाँ तेल लेना है चीनी लेना है जो भी लेना है उसी तरह रेटिंग लेवल डेफिनेशन में एस एस का रेटिंग यहाँ हुआ उसके बाद फिर यहाँ पर ये प्रोडक्ट का रेटिंग हुआ उसके बाद उस प्रोडक्ट को आपको लॉन्च कर दिया गया ठीक है उसी तरह असेसमेंट हुआ जो भी है ये आप लोग अच्छे से बनाएंगे ये मेरा क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर का एवेलेशन है हर एक फेज को अच्छे से लिखिएगा ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है आई ये सब आपका एक कंपनी का ये फ्लो चार्ट है इसलिए ये लिखा हुआ है ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आई एस एस एंड अदर टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ये लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है तो आप लोग इसको अच्छे से बनाइएगा अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी तो आप लोग पूछ सकते हो थैंक्स फॉर वॉचिंग